गुरुवार को तहसील कराहल में सामान्य वन मंडल श्योपुर अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों तेंदुपत्ता संग्राहकों एवं आमजन हेतु स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत शामिल हुए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कराहल के पास स्थित वृंदावन गार्डन में यह शिविर लगाया गया। डॉक्टर्स के लिए ओपीडी कक्ष थे और परिसर में टेंट लगाकर मरीजों और उनके अटेंडरों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई थी, जिसमें श्योपुर जिला चिकित्सालय के 11 एवं गजराज मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के 5 डॉक्टर, कुल 16 विशेषज्ञ इसमें शल्य क्रिया, दंत रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला, चर्म रोग, मनोरोग, बाल रोग, अस्थि रोग, न्यूरो सर्जन एवं सामान्य सर्जन अपनी सेवाएं दे रहे थे। स्वास्थ्य जांच शिविर में कुल 1067 मरीजों को जांच किए गए, जिनमें से 81 मरीजों को अन्य हॉस्पिटल में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। जांच के दौरान 118 मरीजों का सिकल सेल और 102 मरीजों की खून की संपूर्ण जांच की गई। साथ ही शिविर में 28 आयुष्मान कार्ड और 29 आभा आईडी बनाए गए, 2 विकलांग लोगों के लिए विकलांग सर्टिफिकेट बनाए गए। कार्यक्रम के दौरान वन मंत्री श्री रावत द्वारा स्कूली बच्चों के खेलकूद आयोजन, कराहल से मेहरबानी, रानीपुरा से दांती एवं दांती से पहला तक मुरम रोड निर्माण की घोषणा कर शुक्रवार को भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया। कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव के निर्देश डायरेक्शन का जो भी निर्देश डॉक्टर चिकित्सा विशेषज्ञ देंगे, जिनको ग्वालियर ले जाने की व्यवस्था होगी, ग्वालियर सर्जरी कराने की या ग्वालियर में और जांच कराने की जरूरत होगी तो ग्वालियर भी भिजवाने की व्यवस्था।